के वार्डो में नाली निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने 5 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। वार्डो में बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था नहीं है, जिससे घरों में पानी भर जाता है और लोग परेशान होते रहते हैं। रहवासी कई दिनों से नाली के निर्माण के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक नाली नहीं बनाई गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम और नगर पालिका के अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है और जेसीबी मंगाकर निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था कराई गई है, जिसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। प्रशासनिक अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि उनको देखना दिख भी नहीं रहा है, सुनने को तैयार नहीं है, जगह में जाने को तैयार नहीं है, और उसके बाद दादागिरी कर रहे हैं, आप चक्का जाम खत्म करो, आपको देख लेंगे, ये धमकी दे रहे हैं। पूरा नाली का पानी, गंदा पानी घर में घुस रहा है, और वो जब मल मूत्र भी टॉयलेट का पूरा घर घर जा रहा है, घर में घुस रहा है, और खाने पीने सब में समस्या हो रहा है। गंदा पानी की वजह से कीटाणु घर में घुस रहा है, ये बीमारी को फैलाने वाला गंदा पानी है। उसमें काफी पैसा जो है 23 लाख रुपया सेंक्शन हो चुका है, और उसको हम लोग यथाशीघ्र प्रयास करेंगे कि आचार संहिता लागू होने से पहले कार्य प्रारंभ हो जाए, ताकि आप लोग के खबर